तो वहीं प्रतापगढ़ में 27 जून को महिला के साथ गैंगरेप और पिटाई के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस मामले में कोहडोर थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बता दें कि इस मामले में पहले तो पुलिस महज मारपीट का मामला इसको मानती रही, लेकिन अब गैंगरेप जैसी घटना से इनकार करते हुए मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 12 दिनों बाद गैंगरेप की धाराओं को भी शामिल किया गया। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। हाथ गोड़ तोड़ दी, हमको होश नहीं था। हम लोग कोड़ाव थाने में गए थे लावारिस, कोड़ाव थाने में हमको होश आया। पुलिस ने किसी तरह कोई कार्रवाई की? कोई नहीं, कुछ नहीं सुनवाई करी। थाना कोहडोर के अंतर्गत जो है इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आया था और जिसमें दी गई तहरीर के अनुसार तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम है मोहम्मद सलमान उसकी गिरफ्तारी की गई, उसे जेल भेज दिया गया है। अन्य अभियुक्तों के लिए दबिश दी जा रही है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचना के संबंध में गुणवत्तापूर्वक और निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाएगी, जो सत्य होगा उसी अनुसार से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस मामले में कोहडोर थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बता दें कि इस मामले में पहले तो पुलिस महज मारपीट का मामला इसको मानती रही, लेकिन अब गैंगरेप जैसी घटना से इनकार करते हुए मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 12 दिनों बाद गैंगरेप की धाराओं को भी शामिल किया गया। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। हाथ गोड़ तोड़ दी, हमको होश नहीं था। हम लोग कोड़ाव थाने में गए थे लावारिस, कोड़ाव थाने में हमको होश आया। पुलिस ने किसी तरह कोई कार्रवाई की? कोई नहीं, कुछ नहीं सुनवाई करी। थाना कोहडोर के अंतर्गत जो है इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आया था और जिसमें दी गई तहरीर के अनुसार तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम है मोहम्मद सलमान उसकी गिरफ्तारी की गई, उसे जेल भेज दिया गया है। अन्य अभियुक्तों के लिए दबिश दी जा रही है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचना के संबंध में गुणवत्तापूर्वक और निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाएगी, जो सत्य होगा उसी अनुसार से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।